नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ, 1315वां दिन का ये वीडियो है। और दोस्तों, मैं यह कहते कहते थक गया कि भाई आप जो हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाएं अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। अदरवाइज आप झूठ का और मतलब कि ऐसे ही अपना समय व्यर्थ न गंवाएँ और वीडियो को यहीं से स्किप करके चले जाए। वैसे लोग ही वीडियो को देखें जो वाकई में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं अगर उनको पढ़ने नहीं आता। जिनको पढ़ने नहीं आता वो सीखे, या जिनको हिंदी यानी इंग्लिश का अनुवाद करने नहीं आता, या कहीं कहीं फंस रहे हैं, कुछ बातें दिमाग में हैं जो कि आपको बार बार परेशान कर रही है, तो चलिए सब पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्ड के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि यही जो है आपको सबसे आगे बढ़ाएगा। अगर परप्लेक्स के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप कभी भी परप्लेक्स को लेकर कभी सेंटेंस नहीं, मतलब टेंस के रूल रेगुलेशन जानेंगे तो भी नहीं बना पाएंगे। जैसे आई परप्लेक्स, बस इतना बोल देना है, आई परप्लेक्स, ही परप्लेक्सेस, है ना, दे परप्लेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं हैरान करता हूँ, वह हैरान करता है, वे लोग हैरान करते हैं, मैं उलझन में डाल देता हूँ, वह उलझन में डाल देता है, वे लोग उलझन में डाल देते हैं। देखा, अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस अगर आपको आएगा बनाने, तभी ना आप इंग्लिश को अच्छे तरह समझ पाएंगे, मतलब बोल पाएंगे, लिखना सीख पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए धीरे धीरे सब कुछ देखते हैं। अब देखिए, यहाँ है तो सबमर्ज, सबमर्ज वर्ड, इसमें पानी में डूबना या जलमग्न। सबमरीन तो आपने सुना होगा ना, जो मिलता जुलता लग रहा है। सबमर्ज, पानी में डूबना, जलमग्न करना, जलमग्न करना। अब देखिए, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मीन्स दोष मुक्त करना, भार मुक्त करना, दोष मुक्त करना, भार मुक्त करना, क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट। फिर देखिए एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब है, ये देना याद रखिएगा, ठीक है, देना सभी में आएगा, जैसे निकाल देना एक हो गया। अब इस देना को मैंने यहाँ पर जगह कम होने की वजह से एक ही साथ लिख दिया यहाँ पर। अब ऑब्लिक का मतलब है मिटा देना, देना आ गया यहाँ से, यहाँ पर ऑब्लिक, फिर आ गया एक नया वर्ड, हटा देना, फिर काट देना और निकाल देना, है ना। आई एक्सपंज, अगर इसके पहले आई लगा दें, है ना, आई यहाँ पर एक्सपंज मान लीजिए लिखा हुआ है, आई एक्सपंज, तो मैं मिटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, मैं काट देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, यही तो हुआ। तो अगर आप टेंस जानते हैं तो कितने तरह के सेंटेंस बनेंगे आपको समझ में आएगा। अब चलिए अगला वर्ड देखिए, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, प्रतिकार, बदला, जुर्माना, रिट्रीब्यूशन। तो ये रिट्रीब्यूशन है जिसका अर्थ है प्रतिकार, बदला, जुर्माना। नेक्स्ट है विम्पर, विम्पर का अर्थ है सिसकना। कुछ लोग सिसकते हैं रोते समय, कुछ लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाना, कुछ लोग कहराना, कहराते हैं, चोट लगने के बाद कहराते हैं। तो खैर अलग अलग गतिविधियाँ होती रहती हैं। वर्ड है सो विम्पर, 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 ठीक है, विम्पर मीन्स सिसकना, चिल्लाना, कहराना, यानी सिसक, आइस, मतलब अब लिख लीजिए कुछ भी, जैसे कि पेशेंट, है ना, पेशेंट, पेशेंट विम्पर, विम्पर्स, ठीक है, पेशेंट विम्पर्स, इस तरह से, तो ऐसे लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जर्मेट, जर्मेट मीन्स होता है विलाप, करुण, क्रंदन, दुहाई, जर्मेट, जर्मेट। नेक्स्ट एक्सपन, एक्सपन, यू जी एन को ना बोलते ना, एक्सपन मीन्स होता है जीत लेना, जीत लेना, कब्जा करना। नेक्स्ट वर्ड है तो पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब, पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब है उच्च वंश या वंशावली, उच्च वंश या वंशावली। बनल, बनल मीन्स होता है पुराना, घिसा पीटा, बासी। अब भाई बनल, अब कहते हैं हम लोग हिंदी में भी कभी कभी भाषा होता है इसमें, भाई बनल, बनल शब्द सुनते हैं, बनल बा भोजपुरी में लोग बोलते हैं, भाई खैर एक अलग अलग तरह का बनल। तो बनल एक वर्ड भी है अपनी भाषा में जो जानते होंगे। खैर बिहार में तो भोजपुरी भी चलता है, और बहुत सारे लोग यूपी में भी लोग जो है भोजपुरी चलता है, और बंगाल में भी लोग भोजपुरी लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में भोजपुरी लोग रहते हैं, तो उन लोग के शब्दों में ये है। लेकिन बनल मीन्स होता है पुराना, घिसा पिटा, बासी, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसको क्रॉस ब्रिड, क्रॉस ब्रिड, क्रॉस ब्रिड का मतलब है, क्रॉस ब्रिड का मतलब है दो नस्ल का, दो नस्ली, दुगला बोलते हैं ना, दुगला बहुत सारे गाली लोग देते हैं, खासकर महिलाएं देती हैं, दुगला है भाई, दुगला है, दो नस्ल का। मैंने एक लेबर को सुनते हुए, मतलब एक लेबर मिस्त्री को सुनते हुए मैंने बोला दुगला है, अरे तो अजीब लगा कि भाई इस तरह के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए। वर्ड यानी क्रॉस ब्रिड, क्रॉस ब्रिड मीन्स दो नस्ली, दुगला या संकर। नेक्स्ट जो है ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस मीन्स घिनौना, बुरा या आपत्तिजनक, घिनौना हो गया, बुरा हो गया या आपत्तिजनक, ऑबनॉक्सियस। तो दोस्तों ये सब वर्ड्स हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको जो है अल्फ़ाबेट को समझ लेना है, अगर आप जो है बार बार दिक्कत में पड़ जाते हैं तो यानी कि आपको अल्फ़ाबेट के 26 लेटर का सही से उच्चारण नहीं आ रहा है। इसके लिए दोस्तों पहले यहाँ समझ लीजिए कि इन अल्फ़ाबेट के दो पार्ट हैं, पहला वॉवल जिसमें लेटर की संख्या 5 है, दूसरा जो है इसको कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या है 21, यानी कि 26 लेटर 68 तरह से उच्चारित किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत होगा तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 64 को याद करके एक मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी जो समझ रखता है वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा अगर प्रैक्टिस करता है तो। तो चलिए अब देखिए कॉन्सोनेंट को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यही अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही इंग्लिश पढ़ने में, यानी कि चाहे तो कॉन्सोनेंट या वॉवल, ज़्यादातर लोग वॉवल में फंसते हैं। अगर आप कॉन्सोनेंट फंस रहे हैं तो आप इसको सीरियस हो जाइए और इन सब का जो इंग्लिश वर्ड है उसके बगल में हिंदी है उन सबको याद कीजिए, ठीक है। अगर वॉवल में फंसते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है कि भाई ए से ये 4 उच्चारण होता है, ई से ये वाला 5 उच्चारण होता है, ठीक है, आई से ये वाला 5 उच्चारण होता है, ओ से ये वाला 4 उच्चारण होता है, यू से इस ये 4 उच्चारण होता है, इसके बाहर ये जो मैं घेर रहा हूँ इसके बाहर डबल ओ से ये वाला उच्चारण, इसके बाहर कुछ उच्चारण नहीं होता। जो भी वर्ड पढ़ना है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, गलत छोड़कर, है ना, गलत की तो बात ही नहीं होता, गलत छोड़कर, तो सब इसी में ही समाहित है। तो आप इन शब्दों को चाहे आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, देश के अंदर हो, हमारे राज्य के अंदर हो, या राज्य से बाहर हो, बहुत सारे, चाहे गल्फ कंट्री में हो, चाहे नेपाल में हो, या दोस्तों चाहे आप यूरोपियन कंट्री में हो या अमेरिकन कंट्री में, क्योंकि वीडियोस हमारी सभी जगह लोग, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश को लेकर बहुत ही लोग सावधान रहते हैं, जिनको ज़रूरत है वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन समय के अभाव में जो है रेगुलरिटी है वो नहीं बन पाती है, जिसकी कमी की वजह से लोग जो है अच्छे से जल्दी जल्दी सीख नहीं पाते हैं। तो एक रेगुलरिटी बना के रखिए, मतलब कि लगातार नहीं तो कुछ कुछ दिन पे जो है आप देखते रहिए, सीख जाएंगे। दोस्तों ये था 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसको अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो वो ये याद तो कर लें, छोटे छोटे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड कितना दिन लगेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, चलिए 64 दिन, एक एक लेटर याद कीजिए, एक एक वर्ड पार्ट्स याद कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए बगल में या कहीं भी, मतलब जब भी करेंगे तो देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इंग्लिश वर्ड में ये वाला खोजेंगे, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ते समय खोजेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश इतना आसान, मतलब पढ़ेंगे जैसे कि लगेगा कि इतना आसान था क्या पढ़ना और आज तक किसी ने नहीं बताया, तब मेरी याद आएगी और आप मुझे अगर धन्यवाद कहेंगे, अगर लिख कर कॉमेंट में, जिससे कि हमारा जो भी है और जो आपसे, मतलब कि अगर लोग आपको पढ़ रहे हैं तो वो भी सीखेंगे जो हमारे चैनल पे आते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा है और बेनिफिट्स लोगों को मिल भी रहा है, मिला भी है। आप हमारे चैनल के वे जो पॉपुलर वीडियोज़ है उस पर जाके देखिए, हालांकि वो तो बहुत ही बेसिक है, उसके बाद बहुत सारे एडवांस वीडियो बने हैं। तो चलिए इन सबको आपने अगर देख लिया है तो आप दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके या भी कोई किसी सर्च इंजन में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। राइटिंग सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, स्पोकन है, तो दोस्तों यहाँ बने रहिए क्योंकि कुछ बातें जो है आपको यहाँ सिखा देगी बोलने वाला, क्योंकि पहला ही तो था
वर्ड जो कि आप बोल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों सब कुछ विद इजी स्टेप में, तो ग्रामर से भी नेमोनिक्स है कि ना, एक काम कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा कि कॉपी बना लेंगे और कॉपी बनाकर राइट डाउन करें, लिखें, ताकि आपको वीडियो देखने की जरूरत न पड़े बार बार। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं, हमारे पॉपुलर वीडियो पे भी जा सकते हैं, प्ले लिस्ट पर भी जा सकते हैं, है ना। तो अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, सीखना है तो हमारे साथ बने रहें, इधर उधर की बात है सीधा जो है दोस्तों इंग्लिश को सिखा कर ही रहेंगे। अब जिनको नहीं पढ़ने आता है, जैसे यहाँ देखिए ई आर को आर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, अब एफ आई टी फिट, देखो उच्चारण के लिए पढ़ लीजिए, परफिक्स, पर बार बार आ रहा है ना, पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद है पीरियड, पे देखिए यहाँ पर पढ़ा गया, पर यहाँ पे पढ़ा गया, यहाँ पी पढ़ा गया, पी को बस यही देखना है, समझ रही है ना। देखिए तीन तरह का उच्चारण हो गया, यहाँ पर अ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ई हो गया, है ना। तो ये सब जो है बार बार रिपीट होंगे। देखिए पेरिस, पेरिटी, पेरिटी, पग, यहाँ पर जो है ए हो गया, ए, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ए, ए का मतलब अ हो गया, हाँ पग। यहाँ पर परकिन, सॉरी ई आर ही है तो आ तो हो ही रहा है यहाँ पर, परकिन, परकॉस। नेक्स्ट जो है दोस्तों परलेस, अब देखिए थोड़ा तेजी चलेंगे, परमेट, परमिक, परमी, परमिट, परनस, परनिक, परनियो, परनॉड, पेरोन, पेरोन, पेरोक्सो, पेरोक्सी, ये तो पेरॉन, पेरॉस, पेरॉट, परसेस, परसिया, परसिक, परसिस, पर्सन, परसू, पट, पटली, परयूक, परूक, है ना, परूक। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब वर्ड ही तो है जो कि आप अच्छे सीख सकते हैं, परूला, परूला, परूक, परूला। तो देखिए परूक, परूला, अच्छे समझ लीजिए ना। अब अगले चलते हैं, तो दोस्तों ये अगला स्लाइड है, दो ही स्लाइड है, जैसे परूल, परूल, परयूज, परवेड, परवेश, परवेश, पेसच, पेसेड, पेसेंट, पेशेरो, पेसेस, पेसेस, पेसेक्स, पेसेक्स, पेशेटा। नेक्स्ट वर्ड है पेशेवा, पेशवा, है ना, पेस्टस, पेस्टस, पेस्ट, पेस्टल, पेस्टस, पेटल्स, पेटरा, पेटार्ड, पेटर्स, पेट्री, और ये पेटर्स, या आप इसे पीटर्स भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से, पेथर, पे टाइट, पेटनैप, पेट्रेल, पेट्रेस, पेट्रोल, पेट्रीज, पेटसाई, पेटसीट, पेटेड, पेटर, पेटिस, पेटिस। दोस्तों अब ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड आपको ये सिखाएगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को पढ़ना, पढ़ते समय जो गलतियां होती है उसको जो है रोकना कितना इजी है। तो चलिए ये रहा पूरा स्लाइड, और इसमें आप सीखेंगे कि कैसे, पहले एक बार आप रिपीट करिएगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, और उसमें जो आपको करेक्शन करना होगा, यानी जो आप गलतियां करते हैं, कहीं भी फंस रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि यहाँ फंस जा रहे हैं, तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं फंस, शुरुआती ही दिक्कत हो जा रही है, तो आप उसको आगे बढ़ जाइए, और उसके बाद मेरा पढ़ा हुआ देखिए, आपको समझ में आएगा क्या कुछ सही है, उसे कॉपी पे लिखिए, उसको देखिए कि क्या गलतियां आपने किया है। दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे। टू वाइट कैरिंग आउट ईच एक्टिविटी यू कुड स्टार्ट विद ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अबाउट द एक्टिविटी। सिमिलरली देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर रोल प्ले इन दिस चैप्टर एंड दिस कुड बी ए यूजफुल वे टू शेयर देयर experiences and
अंडरस्टैंड द इशूज एट ए डीपर लेवल. मेकिंग पोस्टर्स कलेक्टिवली इज अनदर वे टू थिंक अबाउट दीज इशूज. दिस लेसन कंटेंस एक्टिविटीज विच रिक्वायर विजिट टू कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस काउंसिल, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर कोर्ट, रिटेल शॉप्स, मार्केट प्लेसेस इटीसी. ऑर्गेनाइज द विजिट्स टू मैक्सिमाइज लर्नर्स एक्सपीरियंस है ना. हैव अ डिस्कशन विद देम अबाउट द पर्पस ऑफ द विजिट, थिंग्स दे नीड टू डू फॉर बिफोर हैंड एंड. तो दोस्तों आप एक चीज छोड़ दीजिए, अब इसको आप देखिए कहाँ पर आपने गलती किया. वीडियो को फिर पॉज कीजिए और फिर से देखिए और सर्कल कीजिए, थोड़ा सा प्ले कर लीजिए है ना, मैंने फो प्ले कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि भाई जो आपकी गलतियों में वहाँ पर सुधार कर सके. अब चलिए इसका जो है ट्रांसलेट करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कहाँ कहाँ सुधार सकते हैं, मतलब पार्ट्स वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. देखिए ओ यू टी को ऑड बोलते हैं, आई टी ई को आई टी वाई को ई टी बोलते हैं, ए सी को एक बोलते हैं, आई एन जी को इंग बोलते हैं है ना. इसके बाद देखिए ओ यू एल डी को वुड बोलते हैं, सी लैप वुड, डब्ल्यू लगता तो वुड, अगर सी एच एच रहता तो सूट हो जाता. तो ओ यू एल डी को याद रखिए, वी एल वाई को याद रखिए है ना, ई आर को याद रखिए, टी लगा टर हो जाता है. यहाँ भी देखिए वुड है, यूजफुल है. ए वाई को ए बोलिए, बे हो गया, देयर्स, एक्सपीरियंसेस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, फिर अंडरस्टैंड इशूज एट द डीपर, ई आर को आर बोलते हैं, लेबल मेकिंग पोस्टर्स कलेक्टिवली इज अनदर वे, ए वाई को क्या बोलते हैं, ए another way to the to think about these issues this sessions contains. an को n बोलते हैं, c u n को कन बोलते हैं, एक हो गया और टीज हो गया है ना. तो यहाँ से देखिए c फिर कन है, यहाँ मर है, फिर ऑर्ग है, यहाँ शंस है, फिर इसी तरह से तो आप जो है यहाँ पर देखिए अर है, यहाँ पर लर है, नर लर है ना, x बोलते हैं, ds को डिस बोलते हैं. तो ये क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. पी यू आर को पर बोलते हैं, एस को परपोज, तो इजी है ना, अब समझ में आ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ टी आई को टिप बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, तो और अच्छे से आप देखेंगे समझेंगे. अब देखिए पहला सेंटेंस जो है दो ही लाइन का है. वाइट कैरिंग आउट ईच एक्टिविटी यू कुड स्टार्ट विद अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अबाउट द एक्टिविटी. कहने का मतलब है कि जो वाइट मीन्स क्या होता है, जिला कैरिंग, तो वाइट जो है प्रत्येक गतिविधि को अंजाम देते हुए आप गतिविधि जो आपकी जो गतिविधि होता है, आपके विचार जो है मंथन, जो विचार मंथन, जो विचार जो सेशंस होते हैं जिसमें कि मतलब विचार मंथन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स विचार मंथन, तो इसके साथ जो है शुरू करते हैं. अब देखिए सिमिलरली सामान्य रूप से है ना, या इसी तरह से दे आर मैनी मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द रोल प्ले इन दिस चैप्टर. मतलब इसमें यहाँ तक देखिए, यहाँ तक को ले लेते हैं सिमिलरली से, कि इस अध्याय में भूमिका निभाने के कई अवसर हैं. ठीक है, कई अवसर हैं, यहाँ तो हो गया. और एंड और दिस कुड बी यूजफुल वे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. फिर यहाँ तक देखिए, और इसका मतलब है कि यह अपने अनुभवों को साझा करने और अंडरस्टैंड साझा करने और मतलब समझने कि मुद्दों में मतलब जो गहराई के साथ जो गहराई का स्तर होता है उसमें आपको समझना है. फिर आगे दोस्तों कि मेकिंग द पोस्टर्स कलेक्टिवली इज अनदर वे टू थिंक अबाउट दीज इशूज. दोस्तों यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं इस तरह से कि सामूहिक रूप से पोस्टर बनाना इन मुद्दों पर सोचने का एक और तरीका है, यानी कि पोस्टर बनाकर सोचना. अब देखिए दिस लेसन, यह अध्याय जो है, इस अध्याय में कंटेंट्स जो है, एक्टिविटीज़ जो है, जो कंटेंट्स हैं वो एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर विजिट. कहने का अर्थ है इस पार्ट में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनके उपयोग के लिए जो है मतलब जिसके लिए ज़रूरत है, जिनके लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद हो जो यहाँ पर है, तो विजिट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, यानी कि प्रोटेक्शन कंज्यूमर में उपभोक्ता होता है विजिट, तो प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके बाद ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता क्या उपभोक्ता संस्था जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उपभोक्ता संगठन, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता न्यायालय है ना,
फिर रिटेल शॉप, खुदरा खुदरा दुकानें, दुकानदार दुकानें, मार्केट प्लेसेस जो एरिया होता है, बाजार स्थान आदि। और अब यहाँ से देखिए, ऑर्गेनाइज द विजिट टू मैक्सिमाइज लर्नर्स एक्सपीरियंस। कहा जा रहा है कि जो लर्नर एक्सपीरियंस है, मतलब कि शिक्षार्थियों के अनुभव को अधिकतम करने के लिए, अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए यात्राओं का आयोजन करें, है ना। तो यहाँ विजिट है, मतलब घूमें आए फिर आए ताकि उनको और एक्सपीरियंस मिल सके। हैव अ डिस्कशन विद देम, उन लोगों के बीच में जो है, उनसे यात्रा के उद्देश्य, उन्हें पहले से करने योग्य चीज़ें और कार्य के बारे में उनसे जो है यात्रा के दौरान जो है बात करें कि वे लोग जो है क्या करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है बातें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। एक दो बार इसको फिर से रिविज़न कर लीजिए, यानी बैक करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत कुछ सेंटेंसेस लंबे होते हैं, तो समझाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, समझना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ही तक, कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए और एक लोग तब शेयर कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, तभी आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो इस वीडियो में बने रहने के दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग। धन्यवाद।